देखिए मैं आज पानी पूरी बनाने जा रही हूँ, क्या क्या हमें सामान चाहिए देखिए। सब ये देखिए, दो मीडियम साइज़ आलू है, इसको हमने फ्रेश कर लिया, धुल लिया, अच्छे से वाश कर लिया है। और ये देखिए हल्दी, ये मसाला छोला मसाला, और ये देखिए नमक है। ये सामान हमें सब छोला में चाहिए। अब देखिए इसको हम बनाने जा रहे हैं। और देखिए हरी मिर्च है, हरी मिर्च है, इनको हमने बारीक कटिंग कर ली है इसकी। और देखिए ये देखिए ये मटर है, अब इसका छोला बनाने जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेश कर लिए हैं इसको धुल के एकदम अच्छे से। अब देखिए इसको बनाने जा रहे हैं। ये देखिए कुकर है, देखिए पानी डालने जा रहे हैं। देखिए मैं कितना पानी डाल रही हूँ, अंदाज से बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए देखिए पानी है ना, हसब जायका हम इसमें नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। ये देखिए एक चम्मच, एक टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं। देखिए जायके के हिसाब से नमक डालेंगे अपने। ये हो गया। अब देखिए इसमें दो आलू है, इसको भी इसी में उबाल लेंगे मटर के साथ। ये देखिए हम देंगे, ठीक है। जब तक हमारा छोला तैयार हो रहा है तब तक हम पानी बना लेते हैं। पानी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, ये देखिए दो चार ही मिर्ची डालें क्योंकि बहुत तीखा हो जाएगा पानी। ये दो चार मिर्ची है, ये आमचूर पाउडर है, ये देखिए नमक है, नमक अनुसार अपने डालेंगे। ये देखिए वो है धनिया, हरा धनिया है। ये देखिए ये दो चार मिर्ची इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसको जार में घुमा कर मिक्सर में पीस लेंगे। पानी डालकर इसमें, देखिए इसमें हमने मिर्च डाल दिया और ये हरा धनिया डाल दिया। अब इसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको घुमा दे रहे हैं। ये देखिए ये हमारा पीस गया है, इसको मिक्सर में घुमा दिए हैं। और देखिए एक बड़ा सा बर्तन ले रहे हैं, ये देखिए हमारा एक बर्तन बड़ा सा है। अब इसको इसमें डाल देंगे। अब इसी हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। नमक डालेंगे, बहुत लजीज होता है ये वाला पानी। हमने कई तरीके से देखा है, बनाया भी है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, इसमें बहुत लजीज रहता है, ये बहुत अच्छा लगता है, पानी बहुत टेस्टी रहता है। थोड़ा इसको इसका जायका चख लेते हैं, लेकिन सब ठीक है नमक में। अब चलते हैं अपने छोले की तरफ। ये देखिए हमने पतीली उबाल दिया है, पतीली को गर्म होने तक हम इंतजार करेंगे। देखिए
देखिए इसमें हमने ऑयल डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा डाला है क्योंकि इसमें पहले मिर्च फ्राई करेंगे, मिर्ची फ्राई करेंगे फिर उसके बाद उसको डालेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल पड़ता है, ये आप देख सकते हैं कितना, बहुत थोड़ा सा है, बस मिर्ची हो जाए इसलिए इतना थोड़ा सा डालेंगे। पर आप देख सकते हैं इसमें धुआं उठ रहा है, इसलिए हम इसमें मिर्च डाल देते हैं, हरी मिर्ची डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत कम भी नहीं डालेंगे, मतलब किसी किसी टाइप की भी नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारी मिर्ची भून गई है, और इसमें हम छोले को डाल देंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा आलू, आलू को हम छोड़ देते हैं। ये देखिए आप चाहे तो ये आप देख सकते हैं छोला मसाला है, अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए खुशबू अच्छी उठ रही है, थोड़ा मसाला सला इसमें भिन जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा छोला तैयार हो रहा है, इधर हम पानी पूरी तल लेते हैं। ये देखिए करीब हमारा हो गया है, अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं, बिल्कुल हो गया ये। अब देखिए इसमें हम हरा धनिया डाल दे रहे हैं, टेस्टी हुआ है, आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको, बहुत टेस्टी हुआ है। ये देखिए शक्ल से भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, जी चाहता अभी खा लो। ये देखिए इसको बना रहे हैं, ये देखिए